नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में, और मैं आप सबके लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ यहाँ पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह की कार्रवाई सत्र के अंदर कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी निकलती हुई नजर आ रही है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कम्युनिटी बाजार के अपडेट से नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। जैसा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोना $1731 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें सिल्वर की तो सिल्वर इस वक्त $21.5 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी की जो कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो लगातार टूटती हुई नज़र आ रही है। दरअसल ये जो डॉलर है, अमेरिकी डॉलर, उसमें तेज़ी देखने को मिली है। आपको बता दें कि बीते सत्र में अमेरिकी डॉलर के अंदर तेज़ी देखने को मिली थी और जो डॉलर था वो 11 महीनों के ऊँचे उस स्तर पर देखने को मिला था, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों पर एक दबाव बनता हुआ नज़र आया था। और दूसरा, फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, उसकी वजह से भी सोने चांदी की कीमतों में निवेश घटता हुआ नज़र आया है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो सतर्क हो गए हैं, जिसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो एक लगातार इंटरनेशनल मार्केट में एक नरमी के साथ कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बात करें घरेलू वायदे की तो घरेलू वायदे में सिल्वर MCX पर 58,400 पर है और MCX गोल्ड 1 KG 45,762 पर। तो आज सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में तो लगातार अब गिरावट ही देखने को मिल रही है, डॉलर में देख रहे हैं काफ़ी अच्छी खासी तेजी बनती हुई नज़र आ रही है। अब आपको क्या लगता है, क्या सोना यहाँ से अभी 100-150 पॉइंट और टूटता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, अभी गिरावट का माहौल जो है वो देखने को जरूर मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, लेकिन आज डोमेस्टिक मार्केट थोड़े से संभलते हुए नजर आ रहे हैं। घरेलू बाजारों में आज हल्की शुरुआत जो है वो हरे निशान के साथ होते हुए दिखाई दे रही है और आगे चलकर जो है फेस्टिवल सीजन में डिमांड पिकअप हो सकती है और सोने की कीमतें तेज हो सकती है। अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इसके अंदर बाइंग की जा सकती है और सोने के अंदर आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। सेम एज इट इज चांदी के अंदर भी एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। 58,000 तक एक बार एक्सपेक्टेड है कि चांदी लुढ़क सकती है नीचे में, और 58,000 के आसपास का अगर स्तर आता है तो वहां पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। यानी कि आज इंट्राडे में छुटमुट अगर गिरावट देखने को मिलती है तो उस गिरावट के अंदर बाइंग की रणनीति लेकर चला जा सकता है। सेम एज इट इज सोने के अंदर भी 45,400 के आसपास, अगर 800 से लेकर 400 की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है आज इंट्राडे में, और अगर यहाँ से 45,800 का लेवल ब्रेक हुआ और वहाँ सस्टेनेबिलिटी आई तो ज्यादा गिरावट बढ़ सकती है, अदरवाइज ऊपर में 46,200 तक जा सकता है। सोने के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी की ही रणनीति रखनी है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी को अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, निचले स्तरों पर खरीदारी करके चलें। सेम एज इट इज चांदी के अंदर भी 58,000 से लेकर 58,400 जो कि अभी हम करंट लेवल भी देख रहे हैं, इन लेवल्स पर बाइंग किया जा सकता है। नीचे में 57,800 का एक स्टॉप लॉस लगाकर फर्दर लॉन्ग टर्म पोजीशन क्रिएट करके चला जा सकता है। जी यहीं से रूपा जी, बात करेंगे क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल पे तो मैं पहले हम तो देख रहे थे कि जो ब्रेंट था वो $80 के आसपास आ चुका था, लेकिन अब देख रहे हैं कि $77 पर लुढ़कता हुआ नज़र आ रहा है और WTI भी $74 पर लुढ़क चुका है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अमेरिका में पहले इन्वेंट्रीज कम देखने को मिल रही थी और अब एकदम से बढ़त देखने को मिल रही है इन्वेंट्रीज के अंदर, तो क्या कच्चे तेल अभी भी $80 पर जाता हुआ नज़र आ पाएगा? देखिए, अभी थोड़ा सा बाजारों में वापसी से जो है वो गिरावट का माहौल बन चुका है। जिस तरीके से पहले डिमांड पिकअप होते हुए दिखाई दी थी और स्टॉक घट रहे थे, अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि स्टॉक बढ़ रहे हैं और अब सप्लाई के ऊपर भी काम किया जा रहा है। अगर सप्लाई बढ़ती है तो वापस से नेगेटिव जो है इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी ही फॉलो करें। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से 5,500 तक क्रूड एक बार नीचे लुढ़क सकता है, तो यहाँ 5,560 के आसपास बेच कर चला जा सकता है। 5,580 के स्टॉप लॉस के साथ आज इंट्राडे में एक्सपेक्टेड है कि 5,520 से लेकर 5,500 का स्तर देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे स्ट्रेटजी रखें, थोड़ा सा 1-2 दिन का ट्रेडिंग व्यू रखें तो मेरे हिसाब से गिरावट करनी चाहिए इसमें और बिकवाली की तरफ रहना चाहिए, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चला जा सकता है। जी ये सर जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की तो देख रहे हैं कि बेस मेटल्स पर भी कुछ ज़्यादा तेजी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से चाइना में बिजली संकट देखने को मिल रहा है और काफ़ी जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए रह सकता है,
लगभग 8 अक्टूबर तक अभी अनुमान जताया गया है कि तब तक रह सकता है बिजली का संकट। आपको क्या लगता है इसका असर बेस मेटल समेत अन्य कम्योडिटीज पर कितना पड़ता हुआ नजर आ पाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो चाइना है टॉप कंज्यूमर है बेस मेटल्स का। देखिए बिल्कुल इसी बात का इम्पैक्ट जो है हमें देखने को भी मिला है, और जो बेस मेटल वापस से तेजी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए थे वो तेजी अब थमती हुई नजर आई है। जिंक अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था, 262 के आसपास पहुंच गया था, वहां से वापस से लुढ़क चुका है और 256 तक नीचे आ गया, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। कॉपर में जैसे कि मैं बताती आ रही हूँ कि 700 का लेवल अहम है, अगर वो ब्रेक होता है तो आपको बिकवाली की तरफ आ जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल 700 को सस्टेन किए हुए हैं, 700 के ऊपर ही मार्केट बना हुआ है। देखिए उठापटक का माहौल बना रहेगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी ही रखनी है बेस मेटल्स के अंदर। इन लेवल्स पर बाय ना करें, थोड़ा वेट करें, अगर 700 के नीचे जाता है तो और गिरावट बढ़ सकती है, उस गिरावट पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। सेम एज इट इज मुझे लगता है कि जिंक भी नीचे में जो कि अभी 255-56 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी नीचे में हो सकता है आपको 254 से 252 तक के स्तर देखने को मिले, तो आप वहां पर इसमें खरीदारी की रणनीति लेकर चल सकते हैं। जी रूपा जी, जाना चाहेंगे नॉन एग्री कम्युनिटीज में कौन सी कम्युनिटीज होंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में क्रूड में बिकवाली की जा सकती है, तो वहीं गोल्ड में आज खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। गोल्ड आज ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि 46,100 तक जा सकता है, 45,800 के आसपास नीचे मिले तो वहां पर खरीदारी करें, 45,600 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं अगर देखा जाए तो क्रूड में बिकवाली की जा सकती है, 5,560 पर बिकवाली की जा सकती है, 5,600 का स्टॉप लॉस लेकर नीचे में 5,520 तक के 5,520 से 5,500 का टारगेट देखने को मिल सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।